गर्मा गया। वारदात के बाद इलाके में भारी पुलिस जाब्ता तैनात हुआ। दरअसल आपसी कहासुनी को लेकर एक पक्ष ने विशेष समुदाय के 3 लोगों को पीट दिया था और इस पूरे मामले में बवाल खड़ा हो गया। जयपुर की फलौदी में एक युवक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि युवक इस स्मैक की सप्लाई करता था। करीब 10 लोगों ने युवक के कपड़े उतार दिए और उसे बेरहमी से पीटा। मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। अलवर में पार्किंग को लेकर विवाद हुआ। जीप चालक ने खड़ी गाड़ियों को मारी टक्कर। सुरक्षा गार्डों को कुचलने की कोशिश। पार्किंग को लेकर सुरक्षा गार्ड से कहा सुनी के बाद कार सवार युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया। घटना 13 तारीख की बताई जा रही है। घरसाना में महिंद्रा ट्रैक्टर की किस्त ओवरड्यू होने पर मानसिक रूप से परेशान मंगलाराम धानक नाम के शख्स ने आत्महत्या कर ली। मामले में फाइनेंसरों पर धमकाने का आरोप है। उदयपुर में चैन स्नैचिंग का मामला सामने आया। यहां बाइक सवार बदमाश एक महिला के गले से सोने की चैन लूटकर फरार हो गए। लूट की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल सवीना थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जैसर के फरीसर गांव में सूरतगढ़ शाखा नगर की सुरक्षा दीवार जर्जर है। दीवार की जल्द से जल्द मरम्मत की जरूरत बताई जा रही है। अगर जरूरत पर मरम्मत नहीं हुई तो बड़ा हादसा हो सकता है। जैसर के सरदारगढ़ गांव के राजकीय अस्पताल में डॉक्टर और एएनएम का पद खाली होने के चलते मरीजों को खासी परेशानी हो रही है। चमोह थाना पुलिस की स्पेशल टीम ने एक मकान पर दबिश देकर एक ट्रांसपोर्ट के ट्रक से लूटा गया सामान बरामद किया। दिल्ली से गुजरात जाते वक्त ये लूट की वारदात हुई। सादुल शहर में तहसीलदार शिव भगवान रेंगर ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण कर लिया है। सीकर में छात्र संघ चुनाव के दौरान मतगणना के बाद पुलिस की लाठीचार्ज के विरोध में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का धरना जारी रहा। घरसाना में पारा 42 डिग्री सेल्सियस के पार जाने पर किसानों को नरमा और ग्वार की पकी हुई फसल को बचाना भारी पड़ रहा है। भीनमाल में पिछले लंबे समय से चल रहे जुए के अड्डे पर भीनमाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है और करीब 32,000 की नकदी और मोबाइल जब्त किए गए। गड़ियाला क्षेत्र में टिड्डी का प्रकोप बढ़ रहा है। वहीं किसानों की नींद उड़ी हुई है। विभाग को भी इसकी जानकारी दी गई है। राजस्थान प्राध्यापक संघ रेसला में ब्लॉक दूसरी की कार्यकारिणी के चुनाव में अध्यक्ष पद पर लगातार तीसरी बार महावीर सिंह ढूठारिया को निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। सीसवाली में खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और प्रभावित लोगों को मदद का पूरा आश्वासन दिया। दुर्गापुर जिले के बोड़ावली पंचायत क्षेत्र में नवाघरा सड़क पर बारिश के चलते कीचड़ जमा हो गई है। स्कूली बच्चों को परेशानी हो रही है। नापासर में माहेश्वरी भवन में आयुर्वेद विभाग की ओर से आयुर्वेद शल्य चिकित्सा 10 दिवसीय शिविर का शुभारंभ हुआ। पाली में 64वीं राज्य स्तरीय 14 वर्षीय क्रिकेट प्रतियोगिता बांसवाड़ा में आयोजित हो रही है, जिसमें जिले की कई स्कूलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। हनोतिया समेत कई गांव का जिला कलेक्टर ने दौरा किया। बाढ़ से हुए नुकसान की जानकारी ली। सीमलवाड़ा में शिव नारायण चौबीसा महाविद्यालय की ओर से विश्व ओजोन दिवस पर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जालोर में रालसा फॉर स्पोर्ट अवेयरनेस जिला स्तरीय प्रतियोगिता का विधिक सचिव और जिला जज आरपी सोनी की अध्यक्षता में शुभारंभ हुआ। हाजीवाला में राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन विधायक गोविंदा मेघवाल ने किया। नाडोल ग्राम पंचायत में महात्मा गांधी ग्रामोत्थान शिविर में 131 निःशुल्क पट्टे बांटे गए। बेगू में चल रही 64वीं राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में चूरू की बेटियां बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं। सुल्तानपुर में नदियों में बाढ़ आने के चलते 12 गांव प्रभावित हुए हैं। 3,000 लोगों को विस्थापित कर सुरक्षित स्थानों से पहुंचाया गया है। 11 राहत कैंपों पर विकास अधिकारी जगदीश मीणा नजर बनाए हुए हैं। व्यवस्थाओं को भी देखा जा रहा है।
नोखा के नागौर रोड पर अचानक पिकअप में आग लग गई, दमकल ने आग पर काबू पाया। सायला पुलिस ने डावली गांव में 25 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्ट के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। डूंगरपुर जिले के एसपी जय यादव पीठ के दौरे पर रहे और रथोत्सव मेले का जायजा लिया। रानीवाड़ा शहर में पागल कुत्ते के काटने से 10 लोग जख्मी हुए हैं, जिनका राजकीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। सरदार शहर के शिमला गांव में एक दिवसीय 57 किलो कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जीती देवासर की टीम को सम्मानित किया गया। बबावर गांव में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत जल जागरूकता को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छबड़ा में नदी में नहाने के दौरान मासूम की डूबने से मौत हो गई। आबोध में पंचायत समिति के बाकली बांध के जल शक्ति अभियान के तहत केंद्रीय नोडल अधिकारी ने बांध का निरीक्षण किया। जनवास के राजकीय प्राथमिक विद्यालय सिमलिया में पूरे रास्ते पर कीचड़ से ग्रामीण बच्चे अध्यापकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुराहा रोड के बेरा भूतावा गांव में चोरों ने चोरी की कोशिश की, हालांकि शोर मचाने पर चोर भाग गए। घटना को लेकर ग्रामीणों ने पुलिस की रात्रि गश्त पर सवाल उठाए। डूंगरपुर जिले के चिखली में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की उपशाखा चिखली और गलियाकोट के संयुक्त बैठक में शिक्षकों की समस्याओं पर चर्चा की गई। बिदासर में सांडवा के करणी माता मंदिर में विशाल एक्सक्यूबेशन शिविर 16 सितंबर से 26 सितंबर तक चुनेगा। घटाल गांव में एसडीएम संजीव कुमार शर्मा ने कालीसिंध नदी में आई बाढ़ से प्रभावित बस्तियों का दौरा किया। नीमका थाना में जेल में विचाराधीन कैदी की आत्महत्या करने के मामले में परिजनों और ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। बांसवाड़ा के मुंगड़ा गांव में छप्परपोश मकान बरसात के चलते गिर गया, हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। अंता का खेल मैदान का स्टेडियम बदहाल है, स्टेडियम में भरा हुआ है पानी, झाड़ियां भी उग रही हैं। डूंगरपुर जिले के पोजपुर हिंगलाज माता मंदिर और धूरी की महंत रामगिरी महाराज का देवलोक गमन हो गया है, इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तों ने मंदिर में उनके अंतिम दर्शन किए। श्रीमाधोपुर थाना इलाके में 2 अलग अलग हादसों में एक की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हुए। रोएड़ा गांव से वजाकरा जाने वाले रास्ते पर पल रही पानी जाने से पुल क्षतिग्रस्त हो गया है, ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। सुजानगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर ब्लड बैंक में विशाल रक्तदान शिविर लगा। दातारामगढ़ पुलिस ने अश्लील फिल्म बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोप में गिरफ्तार एक पुरुष और एक महिला को कोर्ट में पेश किया है। चिड़ियावासा गांव में कार ने एक महिला को टक्कर मार दी, हादसे में घायल महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बोड़क अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है, जिससे विरोध में ग्रामीणों ने धरना दिया और प्रदर्शन भी किया है। चांदौली और गुड़ली के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी बिंदुवाला रजावत को ज्ञापन देकर फसल की गिरदावरी कराकर उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। दौसा में बारिश के चलते खड़ी फसल को नुकसान हो रहा है, किसानों को सरकार से मदद की आस है। बांसवाड़ा के सुरपुर गांव में कबीलूपोश मकान का एक हिस्सा अचानक देर रात गिर गया है, गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से चल गया। बरसात के बाद बदलते मौसम के साथ ही मौसम बीमारियों का प्रकोप फैलने लगा है, मरीजों की तादाद अस्पतालों में बढ़ रही है, लेकिन चिकित्सा अस्पताल में लोगों को फर्श पर ही लिटाकर उपचार किया जा रहा है। यशवंतपुरा राजकीय विद्यालय में विश्व ओजोन दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया, छात्र छात्राओं ने रैली का भी आयोजन किया। फलौदी में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल बाप में साइंस क्विज प्रतियोगिता और साइंस मॉडल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। छोटी साधड़ी पुलिस ने दहेज प्रताड़ना से मामले में 3 साल से फरार वारंटी को गिरफ्तार कर लिया है। देचू कस्बे के आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में 64वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का समापन समारोह होगा और कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल मैच खेले जाएंगे। दौसा के बनियारा गांव में बंदरों का आतंक है और 3 दर्जन लोग जख्मी हो चुके हैं। रूढ़ी क्षेत्र के धुराला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हर दिन 300 से 400 मरीज आते हैं, लेकिन विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी का खामियाजा रोगियों को भोगना पड़ता है। कारुंडा गांव में तलाई में डूबने से मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला की मौत हो गई।
शेरगढ़ क्षेत्र के रायसर गांव में आयोजित महात्मा गांधी ग्रामोत्थान शिविर में ग्रामीणों ने गांव में पेयजल और बिजली की सप्लाई मांग की है। दौसा जिले में बारिश के चलते खड़ी खरीफ की फसल को नुकसान हुआ है। हनुमानगढ़ के नोहर में भीम आर्मी सेना ने दलितों पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में एसडीएम को ज्ञापन दिया है। गोरीमना थाना क्षेत्र के लोहारवा गांव में एक किशोरी ने आत्महत्या कर ली, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। झालावाड़ के चमली बांध पर पिछले 33 दिनों से पानी की चादर चल रही है। बांध बनने के बाद इससे पूर्व चमली बांध पर कभी भी इतने लंबे समय तक पानी की चादर नहीं चली। टोड़ा भीम के मोड़ा में शहीद के स्मारक निर्माण कार्य को रुकवाने के विरोध में शहीद की वीरांगना ने उप जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। दौसा की मंडावर ग्राम पंचायत को पंचायत समिति बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना जारी है। भोपालगढ़ के राजकीय अस्पताल में आउटडोर में मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। मरीजों की भीड़ के चलते व्यवस्थाओं पर भी असर पड़ा है। घाटोल कस्बे में डगिया वैरव जी तालाब की पाल को तोड़ दिया गया था, जिसकी शिकायत ग्रामीण और प्रशासन ने पालों को जोड़ा है शिकायत के बाद। कारोता ग्राम पंचायत के खड़का गांव में 10 साल पहले मन्नाराम सैनी की मौत के मामले में परिवार की हालत दयनीय है, परिवार को मदद की आवाज है। हनुमानगढ़ के नोहर में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की बहनों ने पानी बचाने को लेकर जन जागृति अभियान की शुरुआत की है। सिवाना के मोकलसर में दंपत्ति पर हमले के मामले में सुथार समाज ने कार्रवाई की मांग प्रशासन से की है। झालावाड़ जिले के पिड़ावा कस्बे में बारिश के चलते एक प्राचीन दो मंजिला मकान धराशाही हो गया, हालांकि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। टोड़ा भीम में प्रजापति समाज के सामूहिक युवा सम्मेलन को लेकर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जगराम प्रजापति ने बैठक ली। लोहावट में पंचायत समिति मुख्यालय पर कृषि विभाग की ओर से किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अंबावली कार्यालय पर ब्लॉक स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन प्रतापगढ़ में किया गया। टिब्बी के भूमपुरा गांव में स्वर्गीय दिनेश न्योल की स्मृति में तृतीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बाड़मेर विधानसभा के कल्याणपुरा मार्ग नंबर 5 में पिछले कई दिनों से नालियों का गंदा पानी जमा हो रहा है। निजारा में प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में 2 दिवसीय शिविर में पशुपालकों को प्रशिक्षण दिया गया। गोहाना राजीव गांधी सेवा केंद्र पर महात्मा गांधी ग्रामोत्थान शिविर में ग्रामीणों को 20 बट्टे बांटे गए। पिड़ावा में भारी बारिश से चमली नदी क्षेत्र में लगे बिजली के 88 खंभे और एक दर्जन से ज्यादा ट्रांसफार्मर पानी में बह गए हैं। हिंडोन कोतवाली में उपनिरीक्षक लोकेंद्र सिंह की निरीक्षक पद पर पदोन्नति होने के बाद रीको औद्योगिक क्षेत्र में व्यापारियों ने उनका स्वागत किया। सिवाना कस्बे के एकमात्र सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में इन दिनों मौसमी बीमारियों के प्रकोप के चलते ओपीडी में मरीजों की तादाद बढ़ गई है, लेकिन व्यवस्थाएं नाकाफी हैं। इंडोर सिटी के वार्ड नंबर 13 के पार्षद के नेतृत्व में लोगों ने पेयजल समस्या को लेकर डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। कठुमर के स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल बड़ौदाकान में राज्य स्तरीय विज्ञान मेले का आयोजन हुआ। केकड़ी में एटीएम लूट की वारदात के मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं, अभी तक मामले में कोई सुराग नहीं लगा है। गंगधार उपखंड में बारिश से सबसे अधिक तबाही हुई, इसके बाद चौमहला के प्रयास ग्रुप ने बाढ़ पीड़ितों की मदद की है। मेरता में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। चित्रकला प्रतियोगिता को लेकर स्कूली बच्चों में खासा उत्साह नजर आया।
निमराड़ा पंचायत समिति के सभागार में मुंडावर विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी ने जनता दरबार लगाया, लोगों की समस्याओं को सुना। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने नीट परीक्षा के छात्रों से मुलाकात की, परीक्षा चयन प्रक्रिया में छात्रों ने बदलाव की मांग की है। आकोरिया गांव में बस स्टैंड के दोनों तरफ बोराड़ा और अराई रोड पर कीचड़ फैल रहा है, लोगों को पैदल चलना मुश्किल हो रहा है। इंदौर सिटी के डिंडोरा गांव में राशन डीलर पर राशन सामग्री न देने का आरोप उपभोक्ताओं ने लगाया है। नागौर के मेरता रोड में अनियमित जलापूर्ति को लेकर महिलाओं ने कलेक्टर से नियमित जलापूर्ति की गुहार लगाई है। चौमहला को मंदसौर से जोड़ने वाले रास्ते पर पुलिया तेज बहाव में बह गई, इससे ट्रैफिक प्रभावित हो रहा है। मरड़ कस्बा के सिद्ध सेवा धाम पर रात्रि जागरण का आयोजन किया गया, इसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने शिरकत की। सरवाड़ में लगातार हुई बरसात से फसलें बर्बाद हो गई हैं, सभी किसानों ने सरकार से फसल खराबे का मुआवजा दिलाने की मांग की है। गुलाबपुरा में रेफरल अस्पताल में मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ, डॉक्टरों की कमी के चलते मरीज परेशान है। ढागावास के पास कस्तूरबा स्कूल में विकास को लेकर मीरा रोटरी क्लब की सचिव मंजू सोनी ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। बनेठा उप तहसील से 3 किलोमीटर की दूरी पर ईसरदा कोपर डेम में पानी की आवक तेज हो गई है, जलदाय विभाग ने क्वार्टर पानी के घिर गए। और फिलहाल यहां वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, फॉरन लौट। दिल्ली से इस बीच बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस का टल सकता है प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ होना है कार्यक्रम। अब अक्टूबर में होगा प्रदेश स्तरीय विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम, सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। कांग्रेस नेता तो चाहता है देश में एक साथ हो विरोध प्रदर्शन। 19 सितम्बर को विधायक पदाधिकारियों की बैठक में चलने के आसार भी सामने आ रहे हैं। 20 सितम्बर को कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम बनाया था, लेकिन फिलहाल ये खबर आ रही है कि ये कार्यक्रम टल सकता है। मनोहर विश्नोई दिल्ली से इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। मनोहर, आखिर अगर ये कार्यक्रम टलता है कांग्रेस का तो इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए लक्ष्मी, जिस तरीके से कांग्रेस ने आर्थिक मंदी को लेकर केंद्र सरकार घेरने के लिए प्लानिंग करी थी, लेकिन अभी फिलहाल ऐसे सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि आलाकमान ने निर्देश दिए हैं कि देश भर में जो पूरा विरोध प्रदर्शन हो वो एक साथ किया जाना चाहिए, जबकि राजस्थान और अन्य कई राज्यों ने ये डिसाइड किया था कि इसी महीने में विरोध प्रदर्शन किया जाए अलग अलग तारीखों को लेकर, और सुर्खियों में बने रहने की कोशिश की थी। लेकिन अब जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही, आलाकमान ने साफ निर्देश दिए है कि एक साथ देश भर में एजिटेशन करें, और वो भी अक्टूबर महीने में होगा, और जो तारीख है वो जल्दी ही बता दी जाएगी। इस कारण से अभी तक स्थगित किए जाने की सूचना मिल रही है। हालांकि कुछ राजनीतिक जो सूचना मिल रही है, जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों को जो बल मिल रहा है उस हिसाब से भी लोग जोर कर देख रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो जानकारी मिल रही है यही है कि आलाकमान ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन वो देशव्यापी हो और एक साथ होना चाहिए, इसी वजह से ये जल्दी बनाएंगे। बहुत शुक्रिया मनोहर विश्नोई पूरी बातचीत के लिए। और आइए फिर से रुक करते हैं खबरों की ओर। सिरोही जिले के आबूरोड में महावीर इंटरनेशनल क्लब द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। झाड़ोल के अंबासा में पैंथर का मूवमेंट देखा गया, जिसकी सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। खंडार से सवाई माधोपुर जाने वाले रास्ते पर मई खुर्द गांव के पास कार ने भैंस को टक्कर मार दी, हादसे में एक शख्स घायल हुआ है। गुलाबपुरा के होड़ा तहसील क्षेत्र में तहसील मुख्यालय पर आधार कार्ड बनाने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों को इसकी जानकारी तक नहीं है। बीसलपुर बांध में डाउन स्ट्रीम में बनास नदी में तेज बहाव के चलते घूमने आए 4 युवकों में से 3 युवक बह गए।
गुलाबपुरा से स्वच्छता का संदेश देने के लिए कैडेट्स केरल ने नवोदय विद्यालय हरला पहुंचे। सोहेला में कृषि विभाग की लापरवाही से जिप्सम के 600 कट्टे किसानों को निःशुल्क वितरित नहीं करने से पड़े पड़े खराब हो गए। ब्यावर की नरबत खेड़ा पंचायत की सरपंच शबरी देवी ने उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन देकर सियावचुक भूमि को आबादी भूमि में आवंटन कराने की मांग की। जयपुर विकास प्राधिकरण मुख्यालय में ऊर्जा संरक्षण और बचत को लेकर कार्यशाला का आयोजन हुआ। सादुलपुर का सरकारी राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम से बिजली बनाने वाला प्रदेश का पहला सरकारी स्कूल बन गया। स्कूल के सोलर सिस्टम का 26 अगस्त को शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने उद्घाटन किया था। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की खास बात यह है कि इसमें उत्पादित बिजली में उपयोग लेने के बाद बची बिजली को डिस्कॉम में जमा कर सकेंगे। युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों के परिजनों तक पहुंचने के लिए सेना की ओर साइकिल अभियान चलाया गया है, जिसका समापन जैसलमेर में हुआ। 927 किलोमीटर का साइकिल पर सफर कर तय कर आर्मी के जवान जैसलमेर पहुंचे। राजगढ़ में पानी की समस्या को लेकर आक्रोशित महिलाओं ने तहसीलदार के सामने प्रदर्शन किया और अपना ज्ञापन भी दिया है। जालौन जिला मुख्यालय पर किसान संघर्ष समिति के तत्वावधान में किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया। उदयपुर की बदहाल सड़कों को लेकर कांग्रेस ने नगर निगम के बाहर धरना दिया। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता गिरिजा व्यास सहित पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। बीजलपुर का पानी आने से बनास नदी भी उफान पर चल रही है, जिसके चलते मलारना उपखंड के कोठड़ा कीरो की खाड़ी में पानी घुस गया है। मांडरगल में अतिवृष्टि से किसानों की फसल चौपट हो गई। पीड़ित किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। सैकड़ों की संख्या में किसानों ने रैली निकालकर नारेबाजी की, प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। सिरोही जिले के तलहटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सफाई अभियान चलाया गया। झाड़ोल उदयपुर वाया ओबेश्वर रोड पर कुंडाल के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। 6 घंटे झाड़ोल उदयपुर मार्ग बंद रहा। भरतपुर के हलैना पुलिस थाने की नगला चौरदास गांव में एक महिला से रेप का मामला सामने आया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मलाना डूंगर उपखंड मुख्यालय के इंदिरा कॉलोनी में एक हफ्ते से ट्रांसफार्मर जलने की समस्या से लोग परेशान हैं। माउंट आबू पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 19 जुआरियों को गिरफ्तार किया। 60,000 की राशि बरामद की। मामली के साकरोदा मावली रोड पर बजरी से भरा ट्रैक्टर पलट गया। हादसे के चलते ट्रैफिक प्रभावित हुआ। झुंझुनू के पिलानी पुलिस ने 2 छात्र बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने एक बदमाश के पास आधुनिक हथियार भी बरामद किए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।